जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। रोम के एक बादशाह ने सोचा कि भारत का सम्राट कैसा है, वह प्रबुद्ध है या प्रमत्त। यदि वह बुद्धिमान है तो मैं किसी भी प्रकार से उसे जीत नहीं सकता। अगर वह प्रमत्त है तो उसका राष्ट्र या राज्य कितना भी फैला हुआ हो उस पर मैं अधिकार कर सकता हूँ। अतः मुझे परीक्षा करके देखना है कि वस्तुतः स्थिति क्या है। उसने अपने एक मंत्री के हाथ थोड़ा सा सुरमा सम्राट के पास भेजा और कहलाया कि यह सुरमा बहुत मूल्यवान है। इस सुरमे की यह अद्भुत विशेषता है कि जो आंख में आंजेगा उसका अंधापन एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। सुरमा लेकर मंत्री राजसभा में पहुंचा और सम्राट से निवेदन किया, मेरे बादशाह ने यह अद्भुत सुरमा भेजा है, इसे लगाते ही अंधा व्यक्ति देखने लगेगा। सम्राट ने देखा कि सुरमे की मात्रा बहुत ही थोड़ी है, वह सिर्फ एक व्यक्ति की ही आंखों में आंजा जा सकता है। इतना स्वल्प किसको दूं? नगर में और राज्य में बहुत सारे अंधे हैं, पर यह सुरमा केवल एक व्यक्ति को रोशनी प्रदान कर सकता है। वह चिंतन के सागर में डुबकी लगाने लगा, सोचने लगा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे सबसे अधिक नेत्र ज्योति की आवश्यकता है। सोचते सोचते उसे अपने वृद्ध महामंत्री की याद आई जो प्रबल प्रतिभा के धनी थे। नेत्र ज्योति नष्ट होने के कारण वह राज्य कार्य से निवृत्त होकर घर में ही समय व्यतीत कर रहे थे। राजा ने अनुचर भेजकर उन्हें बुलाया। राजा के आदेश को सुनकर वह सीधे राजसभा में उपस्थित हुए। राजा ने उनके हाथ में सुरमेदानी देते हुए कहा, इसमें सिर्फ इतना ही सुरमा है जो दो आंखों में आंजा जा सकता है। वृद्ध मंत्री ने वह सुरमेदानी हाथ में लेकर एक शलाका से सुरमे को एक आंख में आंज दिया। कुछ ही क्षणों में वह देखने लगा, उसकी दृष्टि पूर्ण निर्मल हो गई। उसने सुरमेदानी से दूसरी शलाका भरी, उसे आंख में आंजने के स्थान पर अपनी जिह्वा पर रख लिया। राजा ने देखा और आश्चर्य से कहा, महामंत्री तुमने यह क्या किया? यदि इसे दूसरी आंख में आंजते तो काने तो नहीं रहते, तुम अंधे तो नहीं काने तो बन गए। वृद्ध महामंत्री ने सविनय निवेदन किया, राजन आपकी असीम कृपा से मैं देखने तो लगा हूँ कि तो हजारों व्यक्तियों को मैं नेत्र ज्योति प्रदान करूंगा। राजा वृद्ध महामंत्री की बात न समझ सका। महामंत्री ने कहा, सम्राट मैंने जीभ पर रखकर सुरमे में क्या क्या वस्तुएं मिलाई है यह जान लिया है। उसने उसी क्षण सभी औषधियों के नाम व मात्रा एक कागज पर लिख ली। घर पहुंचा और संपूर्ण दवाएं एकत्रित कर उसने सुरमा तैयार किया। उसने पहले अपनी दूसरी आंख में आंजा जिससे उसका कानापन नष्ट हो गया, फिर अपने हजारों देश निवासियों की आंखों में आंज दिया जिससे हजारों लोगों को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। उसने स्वर्ण की एक बड़ी डिब्बी में वह सुरमा भरा और रोम से आए हुए मंत्री को देते हुए कहा, यह सुरमा तुम ले जाओ और अपने बादशाह को प्रदान कर दो और कहना कि जब भी आपको सुरमे की आवश्यकता हो हमसे मंगवा सकते हैं। रोम के बादशाह ने सोचा, जिस भारत में इस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग रहते हैं उसे जीतना कभी संभव नहीं है। बुद्धि बल के सामने सभी बल निर्बल है। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि बल है अथवा जो बुद्धि का सदुपयोग करना जानता है वो व्यक्ति संसार के असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। बुद्धि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय होने पर ही प्राप्त होती है। ज्ञानावरणीय कर्म को क्षय करने के लिए स्वाध्याय एवं चिंतन की आवश्यकता है। ज्ञान और स्वाध्याय के लिए विनम्रता, सभ्यता और अनुशासन का होना अनिवार्य है। अतः व्यक्ति को विनय संपन्न होना चाहिए। जहाँ हम बुद्धि के क्षेत्र में अभय कुमार मंत्री और बीरबल को याद करते हैं, वहाँ पर वृद्धा मात्य का भी स्मरण करना चाहिए जिसने अपनी बुद्धि बल से हजारों मनुष्यों को नेत्र ज्योति प्रदान की। इसी प्रकार महापुरुष भी ज्ञान ज्योति प्रदान करके संसार के अज्ञान अंधकार को नष्ट करके जन जन पर परोपकार करते हुए धरातल पर विचरण करते हैं। जय आनंद।